वंडर वुमन आ गई है और क्या आप लोगों ने देखा? अगर नहीं देखा तो हम बताएंगे ना कैसी मूवी है। वेलकम टू कैंडिड रिव्यूज गाइस, दिस इज शॉप्तोषी बनर्जी और मेरे साथ आज है यू आर कयामत जनानी। वेलकम टू कैंडिड रिव्यूज। टुडे आई एंड सप्तऋषि आर गोइंग टू टॉक अबाउट वंडर वुमन, जो कि मेरी सहेली थी। मैं भी थी उस पिक्चर में, हालांकि आप लोगों को दिखी नहीं। ऑलराइट, सो लेट मी थ्रो दिस अवे। शुड वी स्टार्ट? Well, I just got the news that it had made $16 million in the box office in its first week, but it didn't impress me much. It has been directed by a woman, and that is quite ironic because the film is about a woman also. एक औरत ही औरत की प्यास को समझ सकती है। This is the first time we are looking at a full-length movie on a woman superhero. अगर डायना, जो कि वंडर वुमन है, मिट्टी से पैदा हो सकती है भगवान के आशीर्वाद से, तो पीकॉक के आंसू से भी मादा पीकॉक का कोक भरा सकता है। And the director is no other than the Patty Jenkins, who had previously directed one huge series known as The Killing. Let's talk about Gal Gadot. She is truly a goddess of beauty on screen. मेरी बहन तो शहंशाह निकली, हाथों से गोलियां रोकती थी। इस पिक्चर में बहुत ही बेहतरीन कोनी और घुटने मारे। यहाँ के लोकल ट्रेन और मेट्रो ने उसको सिखा दिया। Except that her acting skills is all right, it's fine, because the script is not written properly. Coming from the comic relief, it is Chris Pine who gives us some comic timing in the film and makes us laugh throughout. हाँ, Chris Pine का sense of mazak बहुत ही sexy था। उसका और मेरी सहेली का boat वाला जो scene था ना, उनमें उन दोनों का घुटरगु देख के मन एकदम भर गया। उन दोनों ने almost कर ही दिया था अपना प्यार का। But who outshone everyone else in the film was Toni Wright. She played the role of Auntie Opie in the film. She was so convincing as the teacher, as the educator, as the governor, as the caress, and she just made me, oh my god. हमारे छिछोरों को भेज देना चाहिए पैराडाइज आइलैंड, जहाँ हम लोग रहते हैं। ऐसी धुनाई होगी, ऐसी धुनाई, बहन बहन करते फिरेंगे फिर। Well, David Thewlis, मेरा तो अभी भी उसका दिमाग में एक इमेज बना रहता है प्रोफेसर लूपिन इन हैरी पॉटर, और जब मैं उसको इस फिल्म में देखा तो आई वाज लाइक शॉक। David Thewlis आल्सो प्लेड अ ह्यूज रोल इन द फिल्म। स्पॉइलर है, नहीं बताऊंगा, आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। ओवरऑल द फिल्म इज लाइक ऑल अदर डीसी फिल्म्स, इट इज वेरी डार्क एंड दैट मेक्स द फिल्म अ वेरी बैड विजुअल इंप्रेशन ऑन द माइंड। ब्रो, इतना डार्क था तो ट्यूबलाइट जला देते ना। Talking about story, progresses very slow in the first half. हाँ bro, एक घंटा हो गया पिक्चर में, कोई भी एक्शन सीन नहीं था। उबासी ले लेके थक गए। Second half progresses very fast and it does not linger in our mind. जब पहला वॉर सीन होता है ना, मैं खुशी के मारे पीछे से चिल्लाने लगी, जा बहन जा, जीले अपनी जिंदगी, फोड़ उन लोगों का सर, तोड़ दे इनकी, कूट डाल उन सालों को जैसे दादी कूटती है मसालों को। That war scene was so awesome. ऐसे भी action scenes बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, बहुत slow motion में, slow frames per second में दिखाया गया है। Oho, somebody hates slow-mo. I think he likes it fast. मुझे लगता है कि Marvel जैसे 2008 से 2017 तक जैसे थोड़ा 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 करके अपना build up लिया है, DC को भी वही करना चाहिए। But DC, since it want to run and want to catch up with Marvel, what it is making movies after movies and not at all paying any attention to the storytelling. Uh-huh, DC की logo, अगली picture director साहब को दे देना। Well, ये एक weak point था Wonder Woman, but overall the movie feeling was nice. And my candid rating for this movie is 7 out of 10. 7 out of 10. मैं अपनी सहेली की पिक्चर के लिए दूंगी 8 आउट ऑफ 10. दो पॉइंट्स कम क्योंकि थोड़ा एक्शन कम था ना, एक्शन चाहिए मुझे। और फॉर दोज फ्रीक्स हु आर वंडरिंग कि वो तलवार कैसे रखी होगी, नन ऑफ योर बिजनेस, वी गर्ल्स हैव द पावर टू कीप एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन व्हाटएवर वे वी वांट, हैशटैग फेमिनिज्म। And I am taking a goodbye. Hope you have enjoyed the film. And I hope ki Kayamat Janani bahut annoy kiya hai aapko. And we will be soon back with another good review, with another good movie. And tab tak ke liye, goodbye. Yeah, exactly. Thank you for watching Candid Reviews, guys. This was Saptarishi and me, Kayamat Janani. We'll see you again. What do you think of the film if you have watched it? How much would you rate it? We will see you very soon in our next episode. Bye-bye.